तूफान सीने विच पैरां थले अंगियार मगदे ने, ये अपना हक मंगदे ने, तैनू दलाल लगदे ने। किसानी संघर्ष है जिहड़ा अपने हकां लई लड़िया जा रहा, अपनियां फसलां बचाउण लई, अपनियां नस्लां बचाउण लई, अपनी होंद, अपनी जमीन, अपना वजूद बचाउण दी लड़ाई है। देश प्रदेश टीवी देख रहे सारे दर्शकों का, रेड एफ एम सुनने वाले सारे सरोतियों का बहुत बहुत स्वागत। मैं अनुजा शर्मा ते मैं इस वक्त मौजूद हाँ जी सिंगू बॉर्डर ते, ते मैं थानू अज एक मिलान जा रही हूँ बहुत खास शख्सियत दे नाल। लेकिन उस तो पहला मैं दो लाइना तुहाडे नाल सांझियां करूँगी। ठगी ठोरी हुंदी है, हेरा फेरी हुंदी है, माया पिछे दौड़ सब मेरी मेरी हुंदी है। मसले ते होर भी ने मित्रों, रोटी वाला मसला मुहाल है, दुनिया च सारियां तो मुश्किल पापी पेट दा सवाल है। तुसीं समझ गए होने मेरे नाल इस वक्त कौन मौजूद ने जिन्हां ने सत्रां लिखियां ने, देबी मखसूसपुरिया। आओ गलबात करते हैं देबी जी दे नाल। बहुत बहुत स्वागत देबी जी देश प्रदेश टीवी ते रेड एफएम दे विच। शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी तुहाडी सर। देबी जी पहले तो क्योंकि आप देख रहे हैं जिहड़ा यह अंदोलन है वो सारिया बहुत अपने वाल अट्रैक्ट कर रहा है, अपने वाल खिंच रहा है, तो इहदी किहड़ी अजिही चीज़ सी जिन्हें अपने वाल खिंचया? नहीं, असी तो मतलब इहदा हिस्सा ही असी महसूस करते हैं, मतलब अपने आप का असी को वक्रे नहीं है अंदोलन नालों, क्योंकि किसानी संघर्ष है जिहड़ा अपने हकों लई लड़िया जा रहा, अपनियां फसलां बचाउण लई, अपनियां नस्लां बचाउण लई, अपनी होंद, अपनी जमीन, अपना वजूद बचाउण दी लड़ाई आ। कि जे ये इस तरह काले कानून बन जाते सारा कुछ, तो मतलब किसानी का पहला मंदा हाल है, क्योंकि सरकारां ने कदे कोई मतलब किसान पक्षी काम कदे कीते नहीं कुछ, है ना। मजदूर पक्षी कोई उन्होंने अपनी कारपोरेट नूं खुश करन दे उन्होंने कानून रहे आ, ते हुण ये ये तो आखिरी मतलब जिस तरह वो सारा कुछ हथों रोटी खोण वाली गल है, वो बचाने लड़ रहे से सारे, एक बहुत बड़ा संघर्ष है और एक बहुत अपने तनदेही बड़ी ईमानदारी बड़ी शिद्दत बड़े दिलों मालिक ते भरोसा रख के लड़ रहे सारे जिन्ने भैन भरा सारे जथेबंदियां, तो सलाम है ना सारे। देबी जी देखा जाए तो जी सरकार हैगी है वह गलबात करती है, मीटिंग सद्दी है, उस तो बाद भी जी अगर मैं थोड़े गलबात करा, परसों जी लोग सभा दे विच बैठक हुई उस खेतीबाड़ी मंत्री फिर भी कहें तोमर जी कहें कि जोड़े खेती कानून ने किसान के हक दे ही ने, तो वो ये भी कह रहे थे कि जोड़े इतने लोग बैठे ने वो सिर्फ एक राज के ने, पंजाब के ने, होर किसी के भी नहीं ने, उन्होंने तुम किस तरीके देखते हो? नहीं, हूँ झूठी बोलना वह कोई मतलब कुछ कह ही नहीं सकते, बड़े हास्योहीणी गल्लां करते, जद के एडे जिम्मेवार जिहड़े बंदे नूं तां इह गल नहीं कहनी चाहिए, वो गलत प्रचार करी जाते कि पूरी स्टेटा पूरे हिंदुस्तान के जिन्हें भारत के सारे किसान है सारे आए बैठे आ अलग अलग, तो क्योंकि सारिआं दी होंद दा मसला है, क्यों सारिआं दी मजबूरी है कि सारिआं नूं फिक्र इस चीज़ का, तो वह तो एक वो गल फिर टालण की गल है कि कुछ चीज़ नहीं देनी, है ना, हुंदी चीज़ मुकर जानी साढ़े कोल है ही नहीं, है ना, वो तो कर रहे बजर के मतलब उन्होंने हथ वस है सारा सरकार के हथ वस, उन्होंने क्यों नहीं पता भी कानून की है, है ना, उन्होंने तो यही हैरानी है भाई किसानों समझ क्यों आ गया, ये परेशानी लगता भी ये तो अनपढ़ खरे पता नहीं, ये तो पढ़े लिखे खड़े उन्होंने पता नहीं, पर ऐसी बरीक बरीक बीनी वाले बंदे अपने एक एक चीज़ में मेरे ख्याल किसान आगू दस दे भाई आह चीज़ आह नुकता आदि धार आह आ फर्क पैंता पता है सारा, है ना, पर जान के टाल मटोल करते हैं। देबी जी तुसी सवेर दे इत्थे मौजूद हो, तुसी स्टेज तो भी बोले हो, तुसी सारे सिंगू बॉर्डर नू चल के भी देखिया, सारे लोगों ना मिले भी, है ना, इत्थे हरियाणा दे, पंजाब दे, राजस्थान दे, तुहानू वख वख लोग मिले, तो इत्थे दा भाईचारा देखण नू मिल रहा है, लोग किन्ने प्यार प्रेम नाल रह रहे ने, उहदा एक्सपीरियंस थोड़ा जिहा साडे दर्शकां नाल सांझा करो। नहीं बिल्कुल, मैं समझदा इह सिहरा इस अंदोलन नू जांदा जिथे एक छोटी छोटियां गल्लां ते मतभेद इक हुंदे ही आ, है ना, स्टेटां दे आपस विच इलाकियां दे, है ना, जां पर वो पर इस अंदोलन ने मेट दते कि हुण लोगों नूं समझ आ गई भी नहीं असी यार एक हाँ, साडियां लोड़ां एक आ, साडा सारा एक कोई फर्क नहीं हैगा, वो जिदा दी लोड़ां हरियाणे वाले दी उही पंजाब वाले ने, बाकी स्टेटां वाले दी किसानां दी मजदूरां दी, तो हुण इस गल दी समझ आ गई भी नहीं यार साडी लड़ाई किसी होर नाल आ, असी आपस विच नहीं लड़ना, तो जिन्हां लड़ाई है उधर नूं मूँह करके वो तो असी हक लैणे आ, तो वो तो असी गल्लां मनाउणियां, ये गल है कि अंदोलन ने बहुत वड्डा एक इनकलाब लिया, मैं समझदा बहुत वड्डी गल है।
एक मैं तुहानूं स्टोरी दसदी हाँ। कल परसों आप गए टीकरी बॉर्डर, उत्थे एक आर ओ प्योरीफायर लगाया गया, बोर्ड लगाया गया, जिहड़ी लैंड सीगी वो हिंदू दी है, जिहड़ा उत्ते बोर लगाया गया वह सिख वालों लगाया गया, उहदा जिहड़ा उद्घाटन किया गया वह एक मुस्लिम वालों करवाया गया। ये भाईचारा जिहड़ा हैगा आ किन्ना प्यारा हैगा आ, इहदे पिछे राजनीतिक व्यू या अगर आप कहीए ऑडियंस नूं किन्ना अच्छा मैसेज है। बिल्कुल बिल्कुल, नाले इह चक्कर गल्ल है जिन्ना चिर लोग आपस में लड़ते रहेंगे उन्होंने कुर्सियों वाले खुश रहेंगे, ठीक है भाई इन्हों इसका मिला रखो, जो हूँ ये आपस में लड़नों हट गए, अपने हकों का पता लग गया, उन्होंने फिक्र पै गया भी हूँ साढ़े वालों आने लग गया है ना जी, कि जो घोल चलते आ जो जमात जथेबंदियाँ कट्ठिया होंगे तो सरकारों को फिक्र उदो पैंता भी हाँ भाई हूँ हक लैन आ रहे है ना जी। तो एक बहुत वड्डी गल आ, ये मोड़ा मालिक ने कट्टिया इधर तो हालात बने आ, तो उम्मीद है भी सफलता मिलेगी। बिल्कुल जिनी मतलब निठ के जिनी दिलों ये मतलब कर रहे है ना, तो उम्मीद है भी मालिक फल लाऊगा इस चीज़। तुसी 26 तरीक की जिहड़ी घटना वापरी उहनूं तुसी किस तरीके नाल देखदे हो? ये तो पता नहीं होना सीधा मतलब कैनेडा तो मैं तो अज ही आया है ना, तो वह चीज़ों का कोई ज़्यादा हूँ बाकी थोनू लोकल थोनू ज़्यादा पता होगा भी उस चीज़ का की मतलब वह क्यों होया जा, पर लगता जिस चीज़ ना मैंने जो अंदोलन में विघन पैंदा हो, अंदोलन का एक मतलब जिहड़ा वो चेहरा मोहरा खराब हुंदा होवे, उहदी इमेज खराब हुंदी होवे, उहो चीज़ नहीं होनी चाहिए भाई। जिन्नी असीं स्पीचां सुणदे आ किसान आगूआं दे जां असीं उत्थे रोज़ अपडेट रहिंदे आ, उही कहिंदे वी मतलब असीं इस शांतमई साडा संघर्ष आ, असीं अपणियां लोड़ां जिहड़ियां मंगां आ कानून रद्द कराउणे सिर्फ इही आ, इहदे इलावा असीं बाहर नहीं किते जाणा, भी एक मेन वड्डा मसला ये हल हो जाण उदू बाद फिर अगला कोई स्टैप लिया जा सकदा। सो तां कि उहनां नूं फिर जिहड़े सरकार तो चाहती है भी इन्हों का इमेज खराब हो जे इन्हों वायलेंट करने वाले हिंसा करने वाले दसया जाए वो तो आपको बचना चाहिए मेरे हिसाब से। डेबी जी तुसी सवेर तो इतने मौजूद हो, जिहड़े लोग बाहर बैठे ने या जिहड़े साडे दर्शक ने देख रहे ने उन्होंने बहुत एक वहम भी हैगा आ या उन्होंने विच एक डर भी हैगा आ कि जिहड़ा इस वक्त बॉर्डर का माहौल है वो बहुत डरिया होया है या बहुत खराब हैगा आ, तुसी सवेर तो इतने मौजूद हो तुहानू किहो जिहा माहौल लग रहा इत्थे? नहीं बिल्कुल, क्योंकि एक दूर बैठे नूं कुदरती गल हुंदी जिहड़ा असीं हुण मैं सवेर दा आके देख रहे ना, तो उत्थे असी बाकी 26 की घटना तो बाद सारे डर गए थे कि नैचुरली 2-3 दिन लोग सुते नहीं, मतलब हर वेले अपडेट देखी जाते भी यार की हो गया की हो गया, जो मतलब वो चीज़ का सब यार कोई नुकसान ना हो जाए अपने बंद है ना, तो पर हूँ जब मैं लगता फिर हफ्ते के बाद फिर मोड़ा पैना शुरू हो गया, फिर दोबारा पॉजिटिव उस तरीके हो गया। सो बहुत चंगे हूँ तो वो बिल्कुल चढ़ती कला चाहिए सारे, तो लगता भी मालिक ने बांह फड़ ली दोबारा तो हो जाएगा काम। तो डेबी जी सरकार जी है अपने वो उत्ते अड़ी हुई है कि खेती कानून वापस नहीं ले जाएंगे, तुहानू की लगता है कि इहदा की रीज़न है या तुहाडा की मैसेज है सरकार वास्ते? नहीं सरकार नूं तां गल इह भी उहनूं लोकां दी गल मननी चाहिए, कि सरकार लोकां दे भले वास्ते आ, लोकां नूं तंग करन वास्ते थोड़ो है ना जी, जे जिहड़ी चीज़ लोकां नूं नहीं चाहीदी क्यों धक्के ना देणी, जदों तुहाडा इहदे च फायदा आ उह कहिंदे साडा नहीं फायदा साडा नुकसान है, असीं चीज़ नहीं लैणी है ना, भी सरकार दा बनदा ही नहीं है मतलब चीज़ा वो गलत काम है, उन्होंने इस गल सोचना चाहिए भी सारे घर घर छड के किसी मौसम च इत्थे बैठे सारे है ना, कोई सुख नूं थोड़ो आए है ना जी, मजबूरी बड़ी मजबूरी ले आया तो उन्होंने सुननी चाहिए गल। डेबी जी अंत विच मैं थोड़े तो सिर्फ अपने दर्शकों वास्ते एक मैसेज मंगूंगी, थोड़ा की मैसेज हैगा दर्शकों वास्ते, तो कोई दो लाइना अगर तुम साडे दर्शकों वास्ते गा सको या बोल सको बहुत अच्छा होएगा। बस यही है जी कि अस दुआ करते हैं कि मोर्चे फतेह मिले कामयाबी हो, क्योंकि बहुत तकलीफां भावें भावें चढ़दी कला हस रहे हैं, मतलब एक बड़ी कमाल की गल है कि मालिक ने जज्बा दिता अपने पंजाबियों नूं भी हर मुसीबत नूं भी खिड़े मत्थे चल लेंदे आ, तो ये चीज़ां पर कितें ना कितें अंदरों फिक्र तो सानूं सारिआं नूं हैगा भी नहीं यार मसला हल होना चाहिए भी सुखी सांदी घरां नूं मुड़ के जाइए। तो इहदे च कुछ मैं शेयर कहे सीगे कि तूफान सीनियां विच पैरां थले अंगियार मगदे ने, तूफान सीने विच पैरां थले अंगियार मगदे ने, ये अपना हक मंगदे ने तैनू दलाल लगदे ने। ये सीगे डेबी जी जिन्होंने साडे नाल गलबात की, तो इन्हों का यही मैसेज है सारे दर्शकों नू सारे लोगों नू कि चढ़दी कला दे विच रहो, हौसले दे विच रहो, तो इत्थे डटे रहो, खेती कानूनां नू वापस करवा के ही मुड़ांगे। कैमरामैन राजेश दे नाल अनुजा शर्मा, देश परदेश टीवी सिंगू बॉर्डर। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं तुहाडा अपना देबी मखसूसपुरी, तो रैड एफ एम कनेडा वाले ने अपना नवा विजुअल चैनल लॉन्च किया देश परदेश टीवी, इन्हों वध तों वध सबसक्राइब करो तो वध तों वध इन्हों सपोर्ट करो, मेहरबानी।